हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली से एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। 25,000 पदों पर नई वैकेंसी निकल सकती है, पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की। दोस्तों, कारण सहित बताऊंगा कि किस तरह वैकेंसी निकलेगी और सरकार को ये वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल यूथ इंडियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हम इस YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर डालते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप हमारी वीडियो नहीं देख पाओगे। अतिथि शिक्षकों की सेवा 28 फरवरी के बाद समाप्त हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में कई वर्षों से पढ़ा रहे गेस्ट टीचर की जो 28 फरवरी को ख़त्म हो रही है, इसे आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बेजल को इस बारे में पत्र भी लिखा है। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल 28 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। इस समय दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के अलावा दूसरी कक्षाओं की परीक्षा चल रही है। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य सोहब राणा ने बताया कि 25,000 से ज़्यादा अतिथि अध्यापकों ने बच्चों को शिक्षा दिलाने में विशेष योगदान रहा है। यदि इतनी बड़ी संख्या में अतिथि अध्यापकों को हटाया गया तो सरकारी स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन प्रभावित होगा, शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इन 25,000 गेस्ट टीचरों को हटा दिया जाता है तो नई वैकेंसी के द्वार खुल जाते हैं दिल्ली में। अगर कोई टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, टीचर बनना चाहता है, उनके लिए अच्छा मौका मिल सकता है। अगर कानून के मुताबिक, यानी हाई कोर्ट ने दिल्ली गेस्ट टीचर के बारे में फैसला सुनाया था कि इनको रेगुलर पक्का तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें कुछ छूट दे सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह पोजीशन चल रही है गेस्ट टीचरों की दिल्ली में, उस हिसाब से 28 फरवरी तक इनका कार्यकाल पूरा होकर समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, हरियाणा के गेस्ट टीचर, हरियाणा में जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, वहाँ पर दोस्तों जो गेस्ट टीचरों को पक्का करने के लिए बिल पारित हो रहा है कैबिनेट में, सदन में, जो हरियाणा का सदन है, विधानसभा सदन है, आज बजट, जो बजट पेश किया जाएगा उसके साथ गेस्ट टीचरों को पक्का करने के लिए बिल भी पारित होने की पूरी पूरी संभावना जताई गई है और खुद मंत्री ने भी बोला है। तो दोस्तों, दिल्ली से इन्फॉर्मेशन यही आ रही है कि 25,000 वैकेंसी खाली हो जाएगी, सरकार को तुरंत नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी अगर गेस्ट टीचरों का कार्यकाल पूरा करके उन्हें बाहर का रास्ता कर दिया जाता है तो दोस्तों, आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस तरह अगला प्रोसेस होगा। जब भी कोई बिग नोटिफिकेशन जारी होगा दिल्ली की तरफ से या हरियाणा की तरफ से, सबसे पहले हम इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर वीडियो बनाकर डालेंगे। आप अपने सुझाव ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि इस पर क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपका, आपकी मनसा अगर नहीं बरती गई है तो ज़रूर हमें कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।